हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। हाउ टू डिलीट प्ले स्टोर सर्च हिस्ट्री। काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। और अगर आप भी नहीं जानते हो कि प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें तो आप इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग रहने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हो टेक पर ज्ञान। दोस्तों प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करके आपको आपके प्ले स्टोर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे अब आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपके प्ले स्टोर का प्रोफाइल आइकन नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सेटिंग्स का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जनरल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके सामने और भी ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हिस्ट्री में, क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री। तो अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने भी इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हिस्ट्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मैसेज आ जाएगा सर्च हिस्ट्री क्लियर, यानी कि आपकी प्ले स्टोर की सारे सर्च हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको आपके प्ले स्टोर को पूरी तरह से बंद करना है और दोबारा प्ले स्टोर को ओपन करके आपको आपके प्ले स्टोर अकाउंट में लॉगिन करना है। अब यहाँ पर अगर आप सर्च के बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री नजर नहीं आएगी जो आपने प्ले स्टोर में सर्च किया है। या दोस्तों यानी कि वो डिलीट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से आप प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी कुछ बातें समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह हेल्पिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोज आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।